किसी का भी अपमान आप करो तो ये सोच लेना अच्छे से, ठीक है मैं जोश में गुस्से में आकर मैं किसी का अपमान तो कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं दूसरे का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जिस वक्त मैं अपमान कर रहा होता हूँ उस वक्त मैं वास्तव में अपना सम्मान खो रहा हूँ। दूसरे का अपमान करके हम अपना सम्मान खो देते हैं। कभी दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? लेकिन साहब ने कहा है सत्य को जांच परख कर स्वीकार करो, ग्रहण करो। साहब की वाणी है सबका हुक्का लीजिए। हमारे सदगुरु कबीर कहते हैं सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार। सबका लो, सबका सुनो, सबको देखो, सबके दर्शन को जाओ, किसी का भी सत्संग हो बैठो सुनो उनको, वेद का भी सुनो, भागवत गीता का भी सुनो, रामायण भी सुनो, मानस भी सुनो, गुरुद्वारा में बैठकर गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां सुनो, गुरुवाणी सुनो। सबका हु कर लीजिए, साचा शब्द निहार। लेकिन आंख मूंद कर नहीं, जांच कर, समझ कर, परख कर, अगर लगे कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे ग्रहण करना चाहिए, मुझे स्वीकार करना चाहिए, हमारे हृदय को लगता है कि ये बहुत सुंदर बात है, ये हमारे जीवन के उपयोग की बात है, जीवन उपयोगी बात है, इससे हमारा जीवन और सुंदर बनेगा, सुधरेगा, तो निसंकोच होके सबका होकर लीजिए। हमारे साहब भेदभाव नहीं करते, ये हमारे सदगुरु का आदेश है सबका होकर लीजिए। तो फिर हम क्यों दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, क्यों अवहेलना करते हैं? और ये वही लोग करते हैं हमारे पंथ में, वही लोग अवहेलना करते हैं, वही लोग मजाक उड़ाते हैं जिनका ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, इतना बड़ा कि जैसे टांका भरकर पानी ओवरफ्लो होता है ना, ऐसे उनका ज्ञान ओवरफ्लो होता रहता है, इतने अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वही लोग ये काम करते हैं। तीस मार खान, अपने आप को तीस मार खान समझ, आप जानते हो तीस मार खान, ये मुहावरा हमारे देश में ये बहुत पुराना मुहावरा है। तीस मार खान, अपने आप को तीस मार खान समझता है, तो ये तीस मार खान है क्या? तीस को मारना क्या है? किस तीस को मार के वो बड़ा खान साहब बना कि नवाब बना कि बड़ा बड़साली बना, बाहुबली बना? किस तीस को? कि तीस मुर्गे मारकर बना, कि तीस बकरे मारकर बना? तीस मार के मार के आप बाहुबली बन सकते हो, शक्तिशाली बन सकते हो, वीर बहादुर बन सकते हो, लेकिन किस तीस को मारना है? ये पांच तत्व 25 प्रकृति मिला के कितने हुए? 30 हुए ना, पांच तत्व, हर तत्व के पांच पांच प्रकृति है, तो पांच तत्व है, 25 प्रकृति है, ये शरीर पांच तत्वों से बना है, और पांच तत्व के 25 प्रकृति मिलाकर हो गए 30। तो इस शरीर के मोह को, इस 5-25 के मोह को जो मार देता है वो असली 30 मार खां है। जो उल जुलूल बातें करता है सोशल मीडिया में आकर, वाहियात बातें करता है, अमर्यादित होकर जो बातें करता है, बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह किसी पर भी उंगली उठा देते हैं, ये लोग असली 30 मार खां नहीं है, ये सब डुपली 30 मार खां है, ये लोग सिर्फ नाम के 30 मार खाएं। वास्तव में इनका ज्ञान ओवरफ्लो नहीं हो रहा। सच बताऊं तो
तो इनका अहंकार ओवरफ्लो हो रहा है। हमें अहंकार को त्यागना है, और अहंकार जीवन से तभी जाता है जब हमारे घट में प्रेम जागृत होता है। प्रेम, जिसके हृदय में प्रेम जाग गया वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता। किसी के लिए, किसी के भी प्रति आपके हृदय में अगाध प्रेम हो, बहुत प्रेम हो, क्या आप उसका अपमान कर सकते हैं? अपमान करना तो दूर, आप उसका अपमान करने के बारे में सोच भी सकते हैं? नहीं सोच सकते। आप अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं तो अपने माता पिता का हृदय से सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करते हैं। प्रेम जब हृदय में होता है तो सबका सम्मान किया जाता है। अपमान वही करता है जिसके हृदय में अहंकार होता है, जिसके अंदर अहंकार होता है, और अहंकार भी सातवें आसमान पे होता है। तो ये हमें बहुत समझना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे संत हुए, बहुत सारे संत हुए। अकेले सदगुरु कबीर साहब इकलौते संत नहीं है भारत देश में। हमारे भारत देश का जो मध्यकाल है ना, जैसे 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी मध्यकाल कहा जाता है। इस मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। भक्ति काल में हमारे देश में संतों की एक सुदीर्घ परंपरा चली, एक के बाद एक अनेक संत हुए, गिन भी नहीं पाएंगे इतने, एक से बढ़कर एक संत। स्वामी रामानंद जी हुए, हमारे सदगुरु कबीर हुए, रैदास हुए, रविदास जी हुए, गुरु नानक देव हुए, संत पीपादास हुए, संत दादू दयाल हुए, संत चरणदास हुए, संत मीराबाई हुई, संत सहजोबाई हुई, संत धर्मदास जी हुए, कितने संत, गिनते जाओ। तो मध्यकाल में संतों की एक सुदीर्घ परंपरा चली, और इस संतों की परंपरा में समस्त संतों ने सदगुरु कबीर साहब को अपना अग्रणी माना। इस मध्यकाल की संत परंपरा को आप देखोगे, उनका साहित्य पढ़ोगे, तो मध्यकाल के जितने भी संत हुए हैं उन्होंने अपने साहित्य में कहीं ना कहीं हमारे सदगुरु कबीर साहब का गुणगान जरूर किया है, जरूर किया है। आप देख लेना, आप पढ़ लेना। तो हमारे साहब मध्यकाल के संत थे। आज से 625 बरस पहले उनका आगमन इस भारत भूमि पर हुआ था। संत तो बहुत हुए, लेकिन हमारे सदगुरु कबीर में थोड़ा अनूठापन है, अनोखापन है। सदगुरु कबीर ऐसे संत नहीं हुए जिनका जीवन तंबूरा लेकर या मंजीरा लेकर किसी मठ मंदिर में बैठकर भजन गाते हुए बीत गया हो, ऐसा उनका जीवन नहीं था। सदगुरु कबीर मानव समाज के सजग प्रहरी थे, मानव समाज की हर व्यवस्था पर सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या धार्मिक व्यवस्था हो। और जहां भी उन्हें कोई बुराई नजर आती थी, कहीं कोई कुरूति नजर आती थी, कहीं कोई रूढ़िता नजर आती थी, तो बहुत कठोर शब्दों में उसका विरोध करते थे। समाज में जहां भी बुराई नजर आए कि भेदभाव है, सब इंसान, लेकिन इंसान और इंसान के बीच में भेदभाव उत्पन्न हो गए, कितने भेद उत्पन्न हो गए, भेद अर्थात अंतर, फर्क, संप्रदाय का फर्क, भेद हो गया,
जाति भेद हो गया, वर्ण भेद हो गया, क्षेत्रवाद का भेद हो गया, इस तरह के भेदभाव में मानव समाज बढ़ गया। हमारा हिंदू, जो हिंदू संप्रदाय है भारत देश में, हिंदू संप्रदाय की व्यवस्था के लिए वर्ण आश्रम की व्यवस्था की गई, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। इन चारों को मिलकर हिंदू संप्रदाय की व्यवस्था संभालनी थी, लेकिन धीरे 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 समय के साथ साथ इस व्यवस्था में विकृति आती गई, और ये बहुत स्वाभाविक है। समयानुसार विकृति आना इस संसार का नियम है। जैसे हम जन्म लेते हैं, बच्चे होते बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उम्र बढ़ती जाती हम और स्वस्थ तंदुरुस्त होते जाते हैं, और उम्र बढ़ती जाती अधेड़ होते हैं, फिर शरीर में विकृति आने लगती है। किसी को शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को और कुछ रोग हो जाता है, शरीर में कोई और व्याधि हो जाती है, तो धीरे धीरे शरीर में व्याधियां आनी शुरू हो जाती, विकृति आनी शुरू हो जाती। तो ये इस पूरे संसार का नियम है, समय के साथ साथ बुराइयां विकृति आ ही जाती है। तो यही ये वर्णाश्रम व्यवस्था में हुई। ये वर्णाश्रम व्यवस्था कब जातियों में बदल गई पता भी नहीं चला। ये चार वर्ण चार जातियों में बट गए। ब्राह्मण एक जाति हो गई, क्षत्रिय एक जाति हो गई, वैश्य एक जाति, शूद्र एक जाति, और इनमें इतना भेदभाव उत्पन्न हो गया, इतना भेदभाव उत्पन्न हो गया कि एक दूसरे के प्रति मन में घृणा उत्पन्न हो गई, नफरत जाग गई। कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा, कोई ऊंचा समझने लगा, और किसी दूसरे वर्ण के लोगों को बहुत नीचा, बहुत छोटा समझने लगा। इतना छोटा समझने लग गए कि उनके साथ उठना बैठना तो दूर, वो अगर बैठे हों तो उनके सामने से भी गुजर जाए तो उसका महापाप माना जाता था, कि हमारे सामने से वो व्यक्ति गुजर कैसे गया। इतनी नफरत फैल गई, इतनी घृणा उत्पन्न हो गई कि कुछ जाति के लोग, जिनको छोटा कहा जाता है, निम्न वर्ग का कहा जाता है, उसकी छाया भी घर पे पड़ गई तो लोग नाक भौंसी कोड़ते कि हमारा घर अपवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण करो। इतनी घृणा, ना उनके साथ उठना बैठना, ना उसके बराबर चलना, ना उनको चलने देना। जिस कुएं से वो पानी पीते हैं बड़े लोग, उस कुएं से जिसे नीचा समझा जाता वो आदमी पानी नहीं पी सकता। इतने बट गए मानव समाज, संप्रदाय में तो बटे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, बहुत तरह के संप्रदाय में बट गए। आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं, और आप मानव किस लिए कहलाते हैं, आप मनुष्य किस लिए कहलाते हैं, आप इंसान किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है। बुद्धि और विवेक है, बाकी इंद्रियां तो सभी पशु पक्षियों में भी होती है, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य के पास एक अंतःकरण है। अंतःकरण, चार अंतःकरण होते हैं मनुष्य के, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन है
बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त है अहंकार है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या है? बुद्धि के साथ साथ एक बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है मनुष्य को, जो है विवेक, विवेक करना। सही गलत का परख करना, सत्य क्या है असत्य क्या है इसको चिंतन करके, मनन करके, विचार करके, अपने विवेक की कसौटी में, अपने विवेक की कसौटी में इसको परख कर निर्णय लेना कि वास्तव में सत्य क्या है असत्य क्या है। तो सत्य को धारण करे, असत्य को छोड़ दे, ये मनुष्य का धर्म है। असल में ये मनुष्य का धर्म है। कहीं भी कोई बात हो तो आंख बंद कर हमें कूद नहीं जाना, जैसे भेड़ कूद, एक भेड़ कहीं कूदा तो उसके पीछे सारे भेड़ कूद जाते हैं। सामने चलने वाला भेड़ अगर गलती से कुएं में कूद गया तो सारे भेड़ कुएं में कूद जाते हैं। तो हमें मनुष्य को भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। हम सबके पास बुद्धि है, विवेक है, हमें अपने बुद्धि से, विवेक से कार्य लेना चाहिए।